Hello guys, welcome to Tarkashastra. I am Aditya and in this video we are going to discuss about the last 2 month preparation strategy for CAT 2021. Now today's date is 23rd of September, right? CAT will be conducted on 28th of November. उसमें बीच में दो चार दिन अगर आप दिवाली दशे देके उड़ा दो या फिर दो चार दिन का जो फटीग रहता है वो भी उड़ा दो तो यू आर लेफ्ट विद हार्डली 60-62 डेज. राइट, सो जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है क्या उनका प्रिपरेशन अभी भी हो सकता है? तो डेफिनेटली यस. और जिन लोगों ने ऑलरेडी एक दो महीने पहले प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया है उनके लिए क्या रिविजन स्ट्रेटेजी रहेगा वो भी हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं. सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड टू द सेशन आई जस्ट लाइक टू गिव यू अ स्लाइट ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिविजन वर्कशॉप्स विच वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैट 2021 रिविजन वर्कशॉप्स फ्रॉम 28th ऑफ सेप्टेम्बर. टाइमिंग फॉर द बैच Timing for the workshops will be 9 p.m. to 11 p.m. If you want to attend the live workshops, which are completely free of cost, I am repeating myself that the revision workshops are completely free of cost for everyone. Okay. So, अगर आपको live sessions attend करने हैं, तो आप 9 to 11 p.m. में आ सकते हो to attend the live sessions. Just drop us a message on WhatsApp. Both of our numbers are given in the description box below. टोटल 15 नंबर ऑफ वर्कशॉप्स विल बी देयर. सो ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे वर्कशॉप रहेगा क्योंकि उसमें कोई पॉइंट नहीं रहता है. अगर आपको कोई डेली बेसिस पे या 25 30 40 वर्कशॉप दे रहा है तो जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर 80-90 सेशंस अगर रेगुलर सेशंस दे रहे हैं तो 40 वर्कशॉप की क्या जरूरत है. वर्कशॉप माने क्या, यू नीड टू टच द हायर लेवल क्वेश्चंस एटलीस्ट वंस ट्वाइस और थ्राइस. राइट, बट उसके लिए जिन लोगों ने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या जिनका प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है उनको एटलीस्ट टॉपिक प्रिपेयर करने का तो टाइम मिलना चाहिए. राइट, तो इसलिए हमने वीकली 2 और 3 वर्कशॉप्स रखे हैं. सो बिफोर दिवाली और टिल अक्टूबर वी विल कंडक्ट 2 वर्कशॉप्स पर वीक टिल 15th ऑफ अक्टूबर एंड 15th ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड वी विल कंडक्ट 3 वर्कशॉप्स पर वीक. सो नेक्स्ट वीक में जो वर्कशॉप्स होने वाले हैं 28th सितंबर एंड 30th सितंबर को दोज विल बी ऑफ अरिथमेटिक. तो जिनको ये वर्कशॉप्स अटेंड करने हैं आई विल रिकमेंड कि इसके बाद में हमने स्टडी प्लान में बताया हुआ है कि पहले अरिथमेटिक से ही स्टार्ट करो बिकॉज इवन दो आई एम अहमदाबाद हैज अनाउंस्ड दैट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी रिड्यूस्ड द प्रोपोर्शन विल नॉट बी ड्रास्टिकली स्क्यूड. राइट, जैसे 40-45% तक का वेटेज अरिथमेटिक को रहता था उतना ही वेटेज अरिथमेटिक को ही रहेगा. सो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें. जितने उसमें से 7 कॉन्सेप्ट 7 चैप्टर में से अगर 4 चैप्टर भी होते हैं आपके तो 4 या 5 क्वेश्चंस आपके वहीं पे कवर हो जाते हैं. दैट्स व्हाई वी आर आल्सो गोइंग विद द ट्रेंड ऑफ कंडक्टिंग अरिथमेटिक वर्कशॉप्स फर्स्ट. सो इन नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कंडक्ट 2 वर्कशॉप्स ऑफ अरिथमेटिक. उसके बाद टोटल 6 वर्कशॉप्स अरिथमेटिक अकाउंट के होने वाले हैं, टोटल 5 वर्कशॉप्स वर्बल के होने वाले हैं एंड 4 वर्कशॉप्स डीएलएल के होने वाले हैं. DILR एंड वर्बल के 4 या 5 में से इंटरचेंज हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ द रिस्पॉन्स इज. ओके, ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर अदर एग्जाम्स अदर देन कैट, अगर उनको कोई बैच ज्वाइन करना है तो वी आर स्टार्टिंग विद लाइव ऑनलाइन बैचेस फ्रॉम नेक्स्ट वीक 27th ऑफ सेप्टेम्बर से स्टार्ट करने वाले हैं कवरिंग ऑल दिज एग्जाम्स कैट सैट आईएफटी एक्सेप्ट All these exams, CAT, SAT, IFT and NMAT. क्योंकि NMAT का स्लॉट आप कब लेते हो उस पर डिपेंड करता है एंड हमें पूरा थोरो बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन कराना है इसलिए हमने NMAT कमिट नहीं किया है. अगर आपका NMAT का स्लॉट 15 दिसंबर से आगे है तो आपके लिए ये बैच बेस्ट रहेगा. लेकिन अदर एग्जाम्स जैसे स्नैप CMAT MBA CET JBA स्नैप सीमेट एम बी एस सी टी जे बी एम एस का एम एच आर टी प्रोग्राम टीसनेट मैट एटमाट माइकैट आर या इरमा आई बी सैट एंड अदर्स ये सब एग्जाम्स के लिए ये बैचेस बेस्ट हैं. उसके बाद नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा 11th ऑफ अक्टूबर को इन विच विल कंप्लीट द सिलेबस बाय 24th ऑफ दिसंबर एंड उसके बाद एक बैच स्टार्ट होगा 25th ऑफ अक्टूबर को जिसका सिलेबस जनवरी 5th को कंप्लीट होगा. अगर स्नैप का थर्ड स्लॉट अगर आपका है या फोर्थ सेकेंड या थर्ड स्लॉट है तो आपके लिए ये बैचेस बेस्ट हैं. अगर फर्स्ट लॉट आप में आपको स्नैप एग्जाम देना चाहते हो तो बैच 1 इज द बेस्ट. फीस वगैरह का कोई डिटेल जानना चाहते हो तो प्लीज कॉल अस ऑन द गिवन नंबर्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कैट. लास्ट 2 मंथ्स आर रिमेनिंग एंड आई एम अहमदाबाद के जो कन्वीनर है मिस्टर मोहन उन्होंने क्लियरली बताया है लास्ट ईयर लास्ट वीक में जो न्यूज एडिटोरियल आया था उनका न्यूज आर्टिकल आया था उसमें द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग टू रिड्यूस. राइट, बिकॉज प्रीवियस ईयर जो 40 मिनट पर सेक्शन दिया गया था उसमें 26 क्वेश्चन दिए गए थे. राइट,
सो हाउ यू शुड प्रोसीड नाउ, तो सबसे पहले आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है या जिन लोगों का एक राउंड ऑफ प्रिपरेशन हो चुका है और उनको अभी सेकेंड राउंड स्टार्ट करना है। यूजुअली दिस इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर सेकेंड राउंड ऑफ प्रिपरेशन, करेक्ट। तो अरिथमेटिक एंड आरसी क्यूए एंड वर्बल के सेक्शन में रिस्पेक्टिवली सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। तो सेंसिबल थिंग ये है कि पहले अरिथमेटिक कंप्लीट कर लो 2 वीक में, उसका डिटेल में ब्रेकअप मैंने दिया है आगे, एंड आरसी के डेली 3 RCs पढ़ना स्टार्ट कर दो। हमने 2 महीने पहले के वीडियो में जो बताया था कि डेली न्यूज़पेपर 45-60 मिनट्स पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए आपने, तो वो एक्सरसाइज हो गया। मोर देन 2 मंथ्स आपने अगर वो एक्सरसाइज रेगुलरली किया रहेगा तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज पे बहुत अच्छा होल्ड आ गया रहना चाहिए अभी तक, राइट। नाउ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड टू द कैट लेवल आरसीज या एग्जाम के लेवल के आरसीज, क्योंकि जो एडिटोरियल हम लोग पढ़ते हैं या जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो हमें पता रहता है, वी कैन वी आर डेफिनेटली एबल टू रिलेट टू दैट एटलीस्ट, करेक्ट। जियोपॉलिटिकल न्यूज रही, स्पोर्ट्स की न्यूज रही, वी आर एबल टू रिलेट टू दैट। बट कैट में जो आरसीज आते हैं मोस्ट ऑफ देम आर नॉट रिलेटेबल फॉर दिस पीपल हु आर नॉट एविड रीडर, राइट। तो अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ने का शौक नहीं रखते हो तो आपने डेली 3 RCs पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से, तभी जाके आपको वो लैंग्वेज पे होल्ड आना स्टार्ट करेगा, स्टार्ट हो जाएगा जो लैंग्वेज पे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकेंड इज अलजेब्रा प्लस ग्रामर एंड ज्योमेट्री प्लस पैरासिमरी प्लस पैराटिम्बल्स। ये सभी टॉपिक्स ऐसे हैं जो अपने अपने सेक्शन में इक्वल वेटेज होल्ड करते हैं, राइट। जैसे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन क्वांट, सिमिलरली ग्रामर पैरासिमरी एंड पैराटिम्बल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन वर्बल, करेक्ट। उसके बाद मॉडर्न मैथ एंड नंबर्स जो क्वांट में सबसे कम वेटेज होल्ड करता है, उस लेकिन नंबर्स के कॉन्सेप्ट आपको डीआई में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं एंड नंबर्स के कॉन्सेप्ट आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एससीएफ एलसीएम का, डिविजिबिलिटी थ्योरम एंड अदर्स, एटलीस्ट वो पढ़ लो। एंड मॉडर्न मैथ में पीएनसी प्रोबेबिलिटी जो 2 कॉन्सेप्ट है उसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, तो वो पढ़ना भी एक रिस्पॉन्सिबल थॉट प्रोसेस रहेगा। सबसे लास्ट में जब आपका अच्छा खासा थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाएगा तब आई विल रिकमेंड डीआईएलआर। अभी इनिशियली टिल 15th ऑफ अक्टूबर आई एम राइटिंग ओवर हियर, ओके, टिल 15th ऑफ अक्टूबर आई विल रिकमेंड डेली 2 sets एंड आफ्टर 15th ऑफ अक्टूबर यू मस्ट मूव अहेड विद डेली 4 sets ऑफ DILR, तब भी जाके आपका अच्छे लेवल का प्रैक्टिस होगा एंड आपको अच्छे लैंग्वेज समझने की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। जो आगे के 60 दिन बचे हैं आपके पास उसका ब्रेकअप आप माइक्रो लेवल पे भी करना चाहिए, जैसे 15-15 दिन के स्लॉट बनाओ एंड उसको फिर माइक्रो लेवल पे ब्रेक करो 7-7 days का स्लॉट बना के, राइट। वीकली ब्रेक डाउन करो तभी जाके आपका प्रिपरेशन प्लानिंग अच्छे से होगा एंड उसको एक्सरसाइज करो, सिर्फ ऑन पेपर वो प्लानिंग नहीं होना चाहिए। तो ऑन पेपर प्लानिंग करने की हेल्प हमने करके रखी है, जैसे स्टडी प्लान टिल 31st अक्टूबर अगर आपको करना है तो क्यूए का एक टॉपिक यूजुअली 2-3 दिन लेता है, ठीक है। फिर वो अरिथमेटिक रहे, अलजेब्रा रहे, ज्योमेट्री रहे या नंबर्स मॉडर्न मैथ रहे, जो सीक्वेंस मैंने बताया है प्लीज उसी सीक्वेंस में जाना। अरिथमेटिक के भी टॉपिक्स पहले कौन से पढ़ने चाहिए वो भी मैं आगे जाके बताने वाला हूँ। सो ये इसलिए बता रहा हूँ कि क्यूए का एक टॉपिक यूजुअली 2-3 दिन लेता है, तो 1 वीक में 2 टॉपिक से ज्यादा मत उठाओ, अभी भी आपके पास इनफ टाइम है। 60 days आर मोर देन इनफ टू स्कोर मोर देन 90th percentile इन कैट, ओके। तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, एक वीक में 2 टॉपिक से ज्यादा क्यूए के टॉपिक मत उठा, लेकिन कैट लेवल कैट के आरसीज डेली 3 पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड DILR के सेट्स इनिशियल 2, बाद में 3-4, धीरे 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 उसका फ्रिक्वेंसी बढ़ा। फिर आती है बात सेक्शनल की, तो वीकली इनिशियली टिल 15th ऑफ अक्टूबर कम से कम टिल अक्टूबर 15th या 10th कम से कम 3 sectionals वीकली देना जरूरी है, एक क्वांट का, एक DILR का एंड एक वर्बल का, क्योंकि उसमें आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड उसके बाद 4-6 sectionals पर वीक देना जरूरी है जब 15th ऑफ अक्टूबर ऑनवर्ड्स आपकी प्रिपरेशन लेवल 75% से ज्यादा टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाए,
वो भी 10 नवंबर तक। 10 नवंबर के बाद सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स एंड सेक्शन, फुल लेंथ मॉक्स एंड सेक्शन। तो छह छह सेक्शन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वीकली वीकली दो तीन सेक्शन देना इनफ हो जाएगा। तो वो वीडियो हम लोग बाद में बनाने वाले हैं। एंड मॉक्स अभी एटलीस्ट 1 मॉक पर वीक आपने देना बहुत जरूरी है, एंड ग्रेजुअली फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ उसकी, ताकि 2 मॉक पर वीक तक आप नवंबर तक पहुंच पाओ। एंड नवंबर 10th ऑनवर्ड्स आपको 3 हर अल्टरनेट डे 1 मॉक देना है, ठीक है। तो अभी से बहुत सारे मॉक्स देके एग्जॉस्ट मत कर देना खुद को, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट एमबीए सीटी। ने तो अभी रिसेंटली जिन्होंने एमबीए सीटी 2021 का एग्जाम दिया है वो बहुत ज्यादा जोश में रहेंगे, तो ऐसा मत कर। That the strategy for all the exams are completely different. Strategy for SNAP is completely different. Strategy for CAT is completely different. For NMAT it is completely different. And CET it is drastically different. ठीक है, तो धीरे 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 वो groove में आना चाहिए अपन ने, एकदम से नहीं। Okay, planning for first week is RCs. ये तो हमेशा चिपका रहेगा आपके पास, क्योंकि इससे आपका thought process develop होते जाएगा, वो language skill develop होते जाएगा। एंड फर्स्ट सेकेंड वीक में पैराडम्बल्स इज रिकमेंडेड। अरिथमेटिक पूरा कंप्लीट करना है 2 वीक में। अभी जैसे मैंने बोला, तो ये थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने बोला था कि एक टॉपिक 2 या 3 दिन लेता है, बट अरिथमेटिक के टॉपिक मैक्सिमम 2 दिन लेते हैं, राइट। सो दीज आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टॉपिक्स एंड 14 डेज। थोड़ा स्पिल ओवर हो जाता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे आगे फिर आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, बट जितना जोश अभी अभी जोश रहता है इनिशियली, तो जितना हो सके उतना कवर करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड डी आई एल आर के आपको अगर टॉपिक वाइज ब्रेकअप करना है, आप टॉपिक वाइज ब्रेकअप करके भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज आई स्ट्रेट अवे रिकमेंड कि डेली 2 पैसेजेस या 2 टेबल्स सॉल्व करने की कोशिश, 2 सेट सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। दीज आर द टॉपिक्स विच यू वी विल रिकमेंड इन वीक 3 एंड 4। आरसी तो हमेशा के लिए चिपका रहेगा, पैराडिम्पल्स, पैरासेफर एंड ग्रामर अभी धीरे धीरे टॉपिक बढ़ते जाएंगे, एंड अलजेब्रा के 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर, right, along with modern math. Then again, 2 sets per day of DILR. These are the topics which we will recommend in week 5 and 6. Geometry and numbers. So, ulta-pulta ho gaya, pehle geometry and baad mein numbers. Abhi, the students who are comfortable with geometry, those can take geometry in the previous weeks, 3, 4 pe and algebra, aap geometry ke saath switch kar sakte ho. क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा फीडबैक है कि ज्योमेट्री सर आंखों के सामने दिखता है, एटलीस्ट पिक्चर्स, लाइंस, ग्राफ, एंगल्स, सॉरी लाइंस, एंगल, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल वगैरह वगैरह सब दिखता है, करेक्ट। अलजेब्रा में ऐसा होता है कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और हु आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, उनको नंबर्स के साथ थोड़ा अट्रैक्शन नहीं रहता है ज्यादा, तो अलजेब्रा थोड़ा डिफिकल्ट जाने के चांसेस रहते हैं। तो ठीक है, जो आपका कम्फर्ट जोन है वो आप उठाओ, ठीक है। सो दिस इज अ बेसिक प्लानिंग फॉर बेस्ड ऑन पर वीक। सबसे इम्पोर्टेंट एक ज्ञान की बात मैं आज बताना चाहता हूँ कि हर रोज रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछना कि मेरे में जितना पोटेंशियल है उतना मैंने आज किया या नहीं। इफ द आंसर इज यस, आराम से बेड पे सो। इफ द आंसर इज नो, तब तक आपकी आंख नहीं लगनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि यू मस्ट गो अहेड विद हार्ड वर्क, नहीं, स्मार्ट वर्क। जितना मैंने कल रात को सोने से पहले डिसाइड किया था कि आज मैं एक चैप्टर करूंगा, एक चैप्टर के ये चैप्टर के 50 क्वेश्चंस करूंगा, 3 आरसीज पढ़ने वाला हूँ एंड 2 टीएलआर के शॉर्ट सेट सॉल्व करने वाला हूँ, या आज मैं सेक्शनल देने वाला था, ये सब मैंने आज किया या नहीं। सेक्शनल टेस्ट दिया है तो उसका एनालिसिस किया या नहीं। मॉक टेस्ट दी है तो उसका एनालिसिस किया या नहीं। किया तो आपको कोई पनिश नहीं करने वाला है, मैं यहाँ से आके स्क्रीन में आके आपको बोलने नहीं वाला है। जो होगा अच्छा आपका होगा, जो होगा बुरा आपका होगा। तो जस्ट आस्क 1 क्वेश्चन 60 टाइम्स स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, एवरी डे बिफोर गोइंग टू द बेड खुद से एक सवाल पूछना है कि हैव आई गिवन माय 100% फॉर द डे। इफ यस तो आराम से सो जाओ, ठीक है। बिफोर गोइंग टू द बेड प्लान करो फॉर द प्लान फॉर द नेक्स्ट डे, प्रिपेयर इन द नेक्स्ट डे व्हाइल यू गेट अप during the afternoon or evening slot, analyze or test your preparation, then analyze your test, kahan kahan pe galti hui uske notes banao and repeat. This is the mantra. Keep process goals, do not keep target goals ki mera itna score aana chahiye, nahi, mera ek chapter hona chahiye, mere 3 RCs padh ke hone chahiye, mere 2 sets aaj ke din mein hone chahiye,
दीज आर द प्रोसेस, ये एक स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप, धोनी भाई बोलते हैं दिस प्रोसेस गोल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन द टारगेट गोल्स, टारगेट बेस्ड गोल्स, राइट। तो मैं अगर प्रोसेस मेरा अच्छे से करते जाऊं तो रिजल्ट्स आना ही आना है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आवर विशेस आर ऑलवेज विद यू। इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट विद द वर्कशॉप्स, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अस ऑन द नंबर्स गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अदर देन वर्कशॉप्स, प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट रहे तो बिंदास कॉल करो, ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक।